कोरोना महामारी के चलते जहां शासन प्रशासन बीमारी से निपटने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते आ रहे हैं, वहीं शासकीय प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरूड में सुख सुविधा की स्थिति दयनीय होने के बाद भी कोरोना स्क्रीनिंग की जांच पर प्रत्येक मरीज से प्रभारी डॉक्टर ले रहे हैं। ताज्जुब तो उस वक्त हुआ जब ग्राम पंचायत के पदाधिकारी इस ग्राम में आए और मरीजों की जाँच करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र बरूड पहुँचे, तब उनसे भी मरीजों के पंचायत से कोरोना स्क्रीनिंग के पैसे लिए गए। जब सचिव द्वारा शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि जांच की राशि नहीं ले सकते, तो उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। बरूड के स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी डॉक्टर पीयूष पाटीदार अपने वधस्तों के माध्यम से हर कार्य में कहीं न कहीं उदासीनता के साथ यह रोगी कल्याण के नाम से अवैध वसूली कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। शासन का आदेश है कि 5 रुपये स्क्रीनिंग के नहीं लिए जाने चाहिए, फिर भी विभाग ने कई लोगों से पैसे लिए, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? किन लोगों से पैसे लिए हैं? वो तो आपको आईना दिखेगा सर। अच्छा ठीक है, जो भी लोगों से पैसे लिए हैं वो समय का बता दीजिए, क्योंकि कारण ये है कि वो जो ऑर्डर है वो हमारे पास ऑफिशियली अभी तक आया नहीं है। जो ऑफिशियली ऑर्डर है वो अगर हमारे पास BMO या CMHO के थ्रू आ जाता है तो हम वो पैसे नहीं लेते। और हो सकता है दूसरी चीज, और यहाँ पे दो नई सिस्टरें आई है जो 3 महीने के लिए लगी है, तो उनको पता नहीं है कि किस पेशेंट से पैसे किस चीज के लिए लेना है और किस चीज के लिए नहीं लेना है। OPD के लेना है, IPD के लेना है, कौन BPL वाला है, कौन आयुष्मान वाला है, किसके बारे में NC है, 5 वर्ष कम का बच्चा है, 60 से ज्यादा का बच्चा है, बूढ़ा इंसान है, तो उनसे किससे पैसे लेना है किससे नहीं लेना है उनको नहीं पता है। तो हो सकता है उनसे गलती हो गई इस बार। क्या उन लोगों को सजा मिलेगी? सजा तो प्रशासन देगा, उसके बारे में कंप्लेन करेंगे और उसके बारे में कंप्लेन की जाएगी और उसके बारे में जो भी प्रशासन चाहेगा वो होगा। मंत्री जी, ये बाहर गांव से जो लोग गांव में आए हुए थे कोरोना महामारी के चलते, इनसे 5-5 रुपए स्क्रीनिंग के लिए जो आपके ग्राम पंचायत से भी लिए गए, सो सही है क्या? ग्राम पंचायत ने जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा था ऐसे लगभग 28 लोग थे। कुछ लोगों द्वारा तो अपने स्वयं जो ऐसे थे जिनके पास पैसे थे, उन लोगों ने तो स्वयं ही 5 रुपये हॉस्पिटल में लेके जब उनको लाया गया तब उन्होंने 5 रुपये की चिट्ठी दी और उसकी जांच करा ली कोरोना की हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरूड से। और कुछ लोगों जिन लोगों के पास नहीं था उसका पैसा मैंने ऐसे 10 लोगों का भुगतान किया है, मेरे पास 50 रुपये की रसीदें हैं, मैंने उस पर ग्राम पंचायत में वही भी उसका डाला है कि 50 रुपये का मैंने कोरोना में ये इनकी जाँचें कराई है हॉस्पिटल से, जिसकी चिट्ठियाँ भी मेरे पास उपलब्ध है। क्या नाम है आपका? राजीव खान, सचिव ग्राम पंचायत बरूड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।